हरियाणा के चुनाव आयोग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। तो वहीं इस बीच नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि भर्ती रोको गैंग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के मद्देनजर आयोग ने HSSC और HPSC द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में MCC का कोई उल्लंघन नहीं पाया। आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और जैसा कि बताया गया मौजूदा MCC निर्देशों के भीतर है, जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि यह परिणाम कब तक जारी होंगे, तो उस पर समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ ना मिले, आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव होने तक जारी नहीं की जाएगी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। मैं सुरक्षा, नमस्कार।